एवरीवन, माय नेम इज चेतना विश्वास एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैथ्स पोल। तो आज का टॉपिक है स्ट्रेटजी टू स्टडी, जो मैं फॉलो करती थी। आज मैं आपको सच में रिवील करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या मेथड्स यूज़ करती थी कि मैं इतने बड़े बड़े पेजेस के प्रूफ्स, थियरम्स और MSc के, BSc के या अभी प्रिपरेशन का, नेट गेट का कैसे प्रिपेयर करती थी, कैसे मैं वो सब याद रख पाती थी। तो आज मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप भी पढ़ोगे तो सबसे पहले नोट्स ही तो बनाएंगे। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो ध्यान रखना है कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि बाद में आप ही को वो नोट्स जाके पढ़ने हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप रफली बना दो। आपको जब प्रिपेयर करना होगा, याद करना होगा, तो उसी में से करना होगा। तो मेक श्योर यू राइट एवरीथिंग केयरफुली और बहुत साफ सा लिखा है, ट्राई टू राइट द नोट्स ऑफ़ एवरीथिंग यू स्टडी। जो भी आप पढ़ो आप उसको लिखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आप रीड कर लो बुक से। अगर आप बुक से रीड कर रहे हो आप होगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरी वाले, बट मैं नहीं हूँ। तो मेन की मेरा था कि आप जो भी पढ़ो वो लिखो, क्योंकि जब आप उसको हाथ से एक बार लिख लोगे तो एक बार आपने रीड किया, एक बार आपने लिखा, उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे तो तीन बार तो वैसे ही वो आपके सामने से गुजरा, तो उससे भी आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद एंड में एक ही रजिस्टर होगा आपके पास, आपने सब कुछ उसमें लिख दिया है। तो आपको ऐसा नहीं है कि उस बुक से ये थ्योरम, इस बुक से वो पेज, ऐसे आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा कि मुझे इसी कॉपी में से इतना ही पोर्शन पढ़ना है। तो आप हर चीज़ अगर प्रॉपरली लिखोगे तो एट द एंड बिफोर द एग्ज़ाम वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और रिवाइज दो तीन बार तो हो ही जाएगा। उसके बाद मेक की पॉइंट्स। अच्छा, पढ़ते वक्त आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे कि ये तो मैं एग्ज़ाम से पहले तक भूल जाऊँगी, तो उसको स्टार बना के ऊपर लिख लो, दूसरे कलर के पेन से लिख लो। तो यहाँ मैंने लिखा है कि हाईलाइट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, तो मल्टी कलर पेन हो गया, और या फिर इतने रंग बिरंगे पेन नहीं यूज़ करने हैं तो यूज़ एन हाईलाइटर, और मे बी सिंपली रेड एंड ब्लैक पेन, तो ब्लैक से आपने अंडरलाइन कर दिया या हाईलाइट कर दिया। ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको हाईलाइट कर दो। की पॉइंट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। की पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी सेंटेंस उठा के लिख दो। आपको लगता है कि उसका क्वेश्चन आएगा तो आप की पॉइंट लिखो। जैसे कि कोई फार्मूला हो गया, आपको लग रहा है ये फार्मूला बहुत यूज़फुल हो सकता है, तो उसको हाईलाइट करके ऊपर लिख दो, ताकि अगर आप किसी एग्ज़ाम से पहले एक बार उड़ती उड़ती भी तैयारी करोगे एकदम फास्ट, तो भी आपको हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, यहाँ से ये पेज से ये चीज़ पढ़नी है। तो ये भी ईजी रहेगा, आपका रिविजन स्पीड भी बढ़ाएगा। फिर नोट डाउन ऑल द फार्मूलाज एंड फन प्लेस। तो जब आपने सारी प्रिपरेशन करी या कोई सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हो, तो जब आप उसको लिख रीड कर रहे हो, लिखने के बाद जब भी आप उसको लिख रहे हो, आप एक दूसरे पेज, दूसरा रजिस्टर हो या कोई एक A4 शीट पे सारे फार्मूलाज नोट डाउन करो। लिखते वक्त भी याद हो जाएगा और उसके बाद उसको कहीं रख के, ताकि आप एंड पॉइंट पे सिर्फ वो देख लोगे तो आपका वो प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक बार कॉपी फिर दूसरी कॉपी। आपके बेसिक फार्मूलेज जो मोस्टली यूज़ होते हैं, आप सब कुछ तैयार कर रहे हो, फार्मूला ही भूल गए तो क्वेश्चन कैसे होगा, राइट? तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ओके, सो द स्ट्रैटेजी टू मेमोराइज इज, फर्स्ट पॉइंट इज रिवाइज डेली ऑफ वॉट एवर यू रीड इन लास्ट टू डेज बिफोर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, मैंने जब टाइम टेबल बताया था तो मैंने मैंशन किया था कि आप सब्जेक्ट को डे वाइज डिवाइड करो, राइट? तो अगला नया सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आप पिछला रिवाइज एक बार कर लो। जैसे आज आपने कुछ पढ़ा, कल पढ़ा, परसों जब आप पढ़ोगे तो पिछले दो दिन का रिवाइज करके, करने के बाद ही कुछ नया पढ़ोगे। सुबह सबसे ज़्यादा अच्छी मेमोरी होती है आपकी, यू फील फ्रेश व्हेन एवर यू वेक अप, यू सिट स्टडिंग। तो आप सबसे पहले ये देखो कि जैसे आप पढ़ने बैठो, आप एक बार नया शुरू करने से पहले कल का किया था, परसों का किया था, एक बार रिकॉल कर लो। ओके, और बेस्ट तो ये रहेगा कि अगर आप कॉपी बंद करके रिकॉल कर पाओ तो उससे भी आपकी मेमोरी शार्प होती है, कि आप कॉपी बंद करो और उसके बाद सोचो कि अच्छा इस पॉइंट के बाद क्या था, इस पॉइंट के बाद क्या था, ऐसे अगर आप रिकॉल करोगे तो दैट इज़ द बेस्ट। बट अगर नहीं तो स्टार्टिंग में, क्योंकि ज़्यादा नया नया है टॉपिक, तो आप उसको नोटबुक से एक बार रिवाइज करो, दो बार रिवाइज करो, लेकिन प्रीवियस टू डेज का रिवाइज करने के बाद ही नया टॉपिक शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्या होगा आपको याद भी साथ साथ होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप आगे पढ़ रहे हो और पीछे का गायब होता जा रहा है, राइट? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना होता है। सेकेंडली, स्पीक वाइल यू स्टडी। दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी कि जब हम बात करते हैं या हम बोल के पढ़ेंगे तो हमारा सारा फोकस एक ही तरफ रहता है, और अगर आप मन मन में पढ़ते हो ना तो ऐसा होगा कि आपका आधा ध्यान कहीं और है, आधा कहीं और है, तो आपको लगेगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हेनेवर यू स्पीक
आपको पता होता है क्या बोलना है, एग्जैक्टली वही वर्ड्स निकलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। सेकेंडली, पेन ऑलवेज इन योर हैंड, राइट, हमेशा पेन हाथ में होना चाहिए। अगर आप कुछ रिवाइज भी कर रहे हो, आपका पेन हमेशा चलना चाहिए। कि जैसे आपने रफ कॉपी खोला, जैसे अगर मैं सन याद कर रही हूँ किसी फाइट के, तो मैं लिखूँगी 1194, इस ईयर में ये हुआ था, इस ईयर में ये हुआ था, तो मैं लिख के ही याद करूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर कोई थियरम है, कोई फार्मूला है कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो ये मैं लिख के रिवाइज करूँ। तो इससे ये होगा कि मेरा हाथ प्रैक्टिस होगी मुझे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और रिवाइज बहुत अच्छे से होता है। रफ पेज पे करो रिवाइज, जितना करना है पेजेस भरते जाओ, ख़राब करते जाओ। उसके बाद टीच योर फ्रेंड्स एवरीथिंग, राइट। अब इस पे मैं स्टार लगा देती हूँ, क्योंकि ये तो वो चीज़ है जिसकी वजह से मुझे सब कुछ याद रहा। क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं खुद तो घर से पढ़ के आती थी, और उसके बाद जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उनको जो भी डाउट होता था वो तो कराती थी, और अगर कोई मेरे पास ऐसे भी बैठा है तो मैं उसे कहती थी प्लीज़ प्लीज़ मुझसे पढ़ लो। इससे ही होता था कि मुझे रिवाइज़ हो जाता था और उसकी भी हेल्प हो जाती थी। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि किसी और को ना पढ़ाओ तो मैं उससे आगे बढ़ जाऊँगी, लेकिन मेरा ये मानना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे की हेल्प करोगे या उसको पढ़ाओगे, तो उतनी बारी तो आपका रिवाइज हो रहा है। कई कई बार तो ऐसा होता था कि एक ही चीज़ में चार बार तो क्लास में ही पढ़ा देती थी। आज एक ने बोला, आधे घंटे बाद दूसरे ने बोला, फिर दो घंटे बाद तीसरे ने बोला यार ये पढ़ा दो, तो वही सेम थ्योरम तीन बार चार बार प्रूफ करवा रही हूँ तो वो याद हो ही जाएगी, राइट। और एक और मेथड है कि जो मैं यूज़ करती थी, कि अगर बहुत बड़ी बड़ी पेजेस की थ्योरम है, राइट, लाइक चार पेज की थ्योरम है, तो मेन उसके की पॉइंट याद करो ना। कि जैसे मुझे प्रूफ करना है ए इम्प्लाई डी, राइट, तो ए इम्प्लाई डी का प्रोसेस क्या है, वो स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं कि ए को मैं पहले बी प्रूफ करूंगी, बी को मैं सी प्रूफ करूंगी, सी को मैं डी प्रूफ करूंगी, राइट, तभी तो ए से डी तक जाएंगे। तो क्या करो, उसको चार पार्ट में डिवाइड कर लो। इन केस अगर हम कोई एक पार्ट भूल भी जाते हैं तो हमें यह पता है कि बी से सी जाना है, तो क्या होगा, ए से बी पार्ट को अगर नहीं हमें याद आ रहा है तो जितना याद आ रहा है उतना लिख के उसके बाद बी से सी पार्ट से शुरू कर दिया, जब याद आया तो ए से बी लिख दिया। पर मेन है कि हमें उसका बैकग्राउंड और रूल पता होना चाहिए कि अगर ए से डी तक प्रूफ करना है तो ए से बी जाना है पहले, फिर बी से सी, फिर सी से डी। ऐसे करके अगर मैं हाफ हाफ अपनी थ्योरम को डिवाइड करूं तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो अगर आप याद रखोगे तो ये ज़रूर ज़रूर आपको हेल्प करेगा, बड़े से बड़े थ्योरम आप प्रूफ कर पाओगे। क्योंकि एक तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और उसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हो, फ्रेंड्स को शेयर करने से आपकी हेल्प हो रही है रिवीजन में, और उतनी ही बार उनको करा रहे हो तो इनकी भी हेल्प हो रही है। उसके बाद आप पिछला रिवाइज भी कर रहे हो दिन का दो दो बार, तो आपको और ज़्यादा बार रिवाइज हो रहा है। आप बोल बोल के रिवाइज करो, पेन यूज़ करो, तो उतना ज़्यादा ईजी रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। ऐसा मत सोचो कि दूसरे को ज़्यादा आता है मुझे कम आता है, नहीं, आप जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने पिछले टारगेट को देखो और उसे अचीव करने की कोशिश करो कि मुझे कल से अच्छा आज करना है, राइट। तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मैंने अपना बीएससी एमएससी बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया, उसके बाद अपना नेट गेट भी क्वालिफाई किया। यही सेम ट्रिक थी, और मोस्टली यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट एग्जामिनेशन सेंटर से पहले कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आप उसको सॉल्व करो और एग्ज़ाम में जाते ही वही क्वेश्चन आ जाता है। मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है। तो कभी भी किसी को मना मत करो कि ये वाला मुझे नहीं आता या कुछ, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए, राइट, तो उससे आपका भी हेल्प होगा। तो इसीलिए सो दीज वर माई पॉइंट्स, प्लीज़ ट्राई दिस एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि कितना आपके काम आया। दैट्स इट गाइज, ये थी मेरी स्ट्रैटेजी जिसने मुझे इतना अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प किया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ हिट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, हैव अ नाइस डे, बाय।